जय मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल फुल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत कसर के हड़बड़िया में, हड़बड़िया टोला में, और यहाँ की जनता में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं काफ़ी दिनों से हैं। आइए यहाँ की जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या क्या समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं। जी शुभ नाम क्या आपका? सिद्धू साहू। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत हम लोग का 4 लाइन टूट गया, कुआँ का मुआवजा नहीं मिला अभी तक। यहाँ का बिजली जो है लाइन पुराना खम्मा है जो तार, वो सही लाइट नहीं रहा है। यार रोड का जो देख ही रहे हैं कहीं कहीं जगह शॉर्टेज है, जो रोड में घर लोग रेकवा बना रहे हैं, सब समस्या ही है। पानी का समस्या है, यही सब समस्या है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं सर, बिजली और पानी दोनों की समस्या बहुत तेज है, पानी की भी समस्या बहुत है। एक डैम बांधा हुआ था, वो डैम फूट गया, आज दिन तक उसका नहीं बन पाया, और 2-3 साल हो गया, 2.5 साल हो गया ना। इसके लिए आप लोगों ने अपने सरपंच, हम लोग सरपंच से एप्लीकेशन दिए थे, एनसीएल द्वारा बना था, अभी तक उसका कोई सुझाव नहीं हो पाया। क्या यहाँ के सरपंच जो हैं उनका काम धाम ठीक है? हाँ, काम तो ठीक है, चल रहा है, अभी जो चल रहा है चल रहा है। जनता के बीच में उनका आना होता है? हाँ आते हैं, आते हैं सरपंच तो आते हैं, अपने बीजा का सरपंच है, सरपंच से मुलाकात होती रहती है, काम कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर क्या शौचालय, आवास और ये जो आपके जो भी योजनाएं हैं, आवास है, शौचालय है और कई सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से ये गांव लाभान्वित हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है। हाँ, घर में शौचालय बने, शौचालय बना है, घर में इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है। आपने कहा इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो कई जगह पर देखा है, ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, आप लोग क्या कहते हैं? इस्तेमाल हो रहा है। पहला ऐसा गांव हमने देखा जहां पर शौचालय बना और शौचालय इस्तेमाल हो रहा है। क्या नाम है सरपंच महोदय का? महोदय सीता साकेत जी हैं, और कहा जा रहा है कि सीता साकेत जी का ही एक गांव है बगल में जहां से अभी हम आ रहे हैं, वहां पर शौचालय निर्माण हुआ लेकिन शौचालय का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक गाँव है जहाँ पर शौचालय बना है लेकिन निर्माण हुआ है और इस्तेमाल भी हो रहा है। तो आप लोगों को समस्या किस चीज़ की, दिक्कत किस चीज़ की? नाली की दिक्कत है, खोरी में नाली नहीं है, रोड पतला है, चापाकल नहीं है, और पानी की समस्या है। पानी आप लोग कहाँ से लेकर आते हो? कुएं से लेके आ रहे हैं, चप्पे से। लाइट की समस्या आ जा रही है, कुआं नहीं मिल रहा, कुआं में पानी है ही नहीं, समस्या ही आ रही है। चापा भी है तहाँ पे, तो आगे से कचरा भरा हुआ है, चापा तहाँ पे है वहाँ पे कचरा भरा हुआ है एकदम, पानी उसका कहीं भी नहीं जा रहा है, वहाँ लग रहा है पूरा गंदक पानी आ रहा है, लग रहा है उससे पानी पीने द्वारा उल्टी भी हो जाएगी। नाली की समस्या नहीं है। मोहल्ले में इस जगह पर, इस गाँव में कितने लोग हैं और कितने हैंडपम्प? यहाँ के मोहल्ले में 1-2-3-4 हैंडपम्प है, इतना बड़ा गाँव है, हड़बड़िया टोला है, मेन रोड में है गाँव, वो भी नहीं है, वो तो किनारे में है, हाईवे रोड के बगल में चापाकल है, गांव में एक भी हैंडपंप अभी तक नहीं लगा। हाँ, और आगे बस्ती में इतनी बड़ी लंबी बस्ती है, उसे हैंडपंप भी एक भी नहीं है। मान लीजिए 500 वोटर की घर होगा, वोटरों का, उसमें हैंडपंप अभी तक नहीं है, एक भी हैंडपंप नहीं है। मतलब 500 वोटरों का ये जो गांव है आपका, यहाँ पर सिर्फ 4 हैंडपंप है। यहाँ पर अभी NH-75 के किनारे, फोर लाइन के किनारे गांव में नहीं, और गांव में नहीं, अंदर रास्ते में नहीं। गांव में कैसे जल की आपूर्ति आप लोग करते हैं? कुएं से करते हैं, पानी लाइट आया तो कुएं से पानी मिल जाता है पीने के लिए, कुआं वगैरह से। कितने दिनों से ये आप लोगों की समस्या है? अरे 2 साल हो गया सर, 2-3 साल से पानी जब से कम गिरा तब से समस्या है। और बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर से लाइन हमेशा बेकार रहती है, न केबल सही है, न उसके तार सही हैं, कुछ भी नहीं, सब पुराना हो गया, टूट जाते हैं जगह जगह पर, हमेशा टूटते ही रहते हैं। इसके लिए आप लोगों ने आवेदन, आवेदन कई बार हम लोग सूचना करते हैं, फोन किए हैं, सब कुछ करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली बिल कितना आता होगा? बिजली भी 550 रुपये आती है। तो जैसा कि अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत कसर के हड़बड़िया टोला में, और यहाँ की जनता 2 सालों से कई सारी समस्याओं से जूझ रही है। पानी है, नालियाँ नहीं हैं, और जो हैंडपंप की जो सबसे बड़ी समस्या है, पूरे गांव में 4 हैंडपंप हैं जो कि NH के किनारे ही हैं, और इन सब असुविधाओं से यहाँ की जनता परेशान है। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए, अपना नाम बताइए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समस्या आपको भी दिखाई देती है आपके गाँव में? चलिए कोई बात नहीं है, ये है हमारे हर गांव के, हर कस्बे की कहानी जो हर दिन हम आपको दिखलाते हैं। मेरे सहयोगी जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट, चैन।